This is exercise 3.7, question number 2. One says, give me 100, friend. I shall then become twice as rich as you. The other replies, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their respective capital. तो दो फ्रेंड्स हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं. तो दो फ्रेंड्स को पहले हम लेट कर लेते हैं कि भाई एक फ्रेंड होगा फ्रेंड ए, ठीक है, एक होगा फ्रेंड बी. अब इनके पास ओरिजिनल फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल. तो जो फाइंड करने के लिए बोला है उसी को हम क्या करते हैं, लेट करते हैं. तो मान लो फ्रेंड ए के पास कितनी अमाउंट होगी, रुपीज एक्स होगी, ओरिजिनल जो अमाउंट होगी उसके पास इतने पैसे होंगे, और बी के पास होंगे रुपीज वन. ठीक है, लेट कर लेते हैं. अब वन फेज ए, फ्रेंड ए क्या बोलता है, गिव मी 100 फ्रेंड, आई शेल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है, हमें एक्स इधर लिखना है इक्वल टू वाई इधर. ठीक है, तो वो बोल रहा है गिव मी 100 फ्रेंड, तो मतलब ए जो है वो y जो है x को क्या देगा, रुपीज 100. तो इसके पास कितने हो जाएंगे, अब रुपीज 100 प्लस 100 हो जाएगा x प्लस 100, और किसने दिए, y ने, तो y माइनस इसके अमाउंट से 100 रुपए कम हो गए. ठीक है, तो अब क्या हो गया, आई शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू. तो फ्रेंड ए क्या हो जाएगा, फ्रेंड बी का ट्वाइस हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. इसको सिंप्लीफाई कर लो, x प्लस 100 इक्वल टू 2y माइनस 200. तो 2y को इधर लिया हूं, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 200, 100 को इधर लेंगे हम माइनस 100. तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300, ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन. तो सेकंड इक्वेशन अब बने, हम करेंगे The other replies, if you give me 10, I shall 6 times as rich as you. तो अब क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है कि अगर तुम मुझे x, अगर तुम मुझे रुपीज 10 दे दोगे तो मैं तुम्हारे अमाउंट के 6 टाइम्स हो जाऊंगा. तो इसमें भी ऐसे करना है, एक साइड x लिखा, दूसरी साइड y. ठीक है, तो अब क्या y में क्या करेंगे, एड करेंगे 10 और x में करेंगे माइनस 10. तो वो क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हारे क्या हो जाऊंगा, 6 टाइम्स हो जाऊंगा एज रिच एज यू. तो 6 इधर मिल गया. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 6x माइनस 60 इक्वल टू y प्लस 10. y इधर आ जाएगा, x माइनस y इक्वल टू 10, 60 उधर प्लस 60. तो 6x माइनस y इक्वल टू 70, ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन. तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड का यूज करके. क्या कर लेते हैं, y के कोफिशिएंट को सेम कर लेते हैं. ठीक है, इसमें 2 है और यहाँ पर 1 है, तो क्या कर दें, सेकंड इक्वेशन को क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं. ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगाने के. तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 12x माइनस 2y इक्वल टू 140. और फर्स्ट इक्वेशन के नीचे लिख देंगे x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300. अब देखो साइन एलिमिनेट तो हो नहीं सकता क्योंकि साइन सेम है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, साइन डिफरेंट, साइन डिफरेंट के लिए सब्ट्रैक्ट कर दो नीचे वाली इक्वेशन को. सब्ट्रैक्ट के लिए क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं नीचे वाली इक्वेशन को. तो ये 12 माइनस 1 11x, अब ये y एलिमिनेट हो गया इक्वल टू कितना हो गया 440. तो x क्या आ गया हमारा 440 डिवाइड बाय 11, 40. x आ गया हमारा 40. अब y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, x की वैल्यू हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो गया, 40 माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300. तो माइनस 2y इक्वल टू 3 माइनस 300 माइनस 40 माइनस 340. तो माइनस y इक्वल टू माइनस 340 अपॉन में 2. माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, ये क्या हो गया 170, y आ गया 170.
तो फ्रेंड ए के पास कितने अमाउंट है रुपीज 40 एंड फ्रेंड बी के पास रुपीज 170।